प्रेम रतन धन पायो। प्रेम के समक्ष सबसे बड़ी समस्या रही कि इसे जब प्रेम रतन धन पायो के रूप में मीरा गा रही थी, तब भी इसकी शेष समाज में कोई स्वीकृति नहीं थी, विरोध ही था। तो आज जब इश्क कमीना हो गया तो इसकी स्वीकृति की गुंजाइशें ही कितनी बचती हैं। मनुष्य और मनुष्यता की बहाली का सबसे मुफीद मंत्र प्रेम ही है, लेकिन उस प्रेम को भी रोग घोषित करता समाज, प्रेम को स्कैंडल के रूप में देखता समाज, प्रेम को फंसने और फंसाने की शब्दावली देता समाज, अपने भीतर ही प्रेम को बचाने के लिए हांफ रहा है। ऐसे में इस समाज से कैसे उम्मीद करेंगे कि वह लव जिहाद से लड़े? वह तो बलात्कारियों के पक्ष में जुलूस निकाल रहा है, बलात्कारी एमएलए एमपी बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, अपने समाज के नायक बन रहे हैं, और प्रेम करने वालों को पंचायतों में नंगा घुमाया जाता है, पेड़ पर लटकाकर पीटा जाता है और फांसी दी जाती है। तो हम फिर कहां प्रेम का पक्षधर समाज बना रहे हैं? हम तो मनुष्य और मनुष्यता के विनाश का उत्तमतम विकल्प आजमा रहे हैं। प्रेम को ही देश निकाला दिए जा रहे हैं, प्रेम को ही असंभव बनाए दे रहे हैं, और विलाप यह है कि हिंसा बढ़ रही है। हुआ क्या है कि समाज के नए आर्थिक ढांचे में प्रेम संबंधों की तो मान्यता बढ़ी है, लेकिन प्रेम का संबंध घटा है। वह नई अर्थव्यवस्था में स्त्री पुरुष के साथ रहने का मैनेजमेंट है। यह टेक्स्ट हो सकता है, हुनर चालाकी चाहे जो हो, बहुत प्रामाणिक अर्थों में इसे प्यार कहने में मुझे थोड़ी असुविधा होती है। अब तो प्रेम नैरेटर भी नहीं रहा और निर्माता भी नहीं। सूचना क्रांति ने संपर्कशीलता को ही आत्मीयता कहा और कनेक्शन को ही प्रेम। कनेक्टिविटी ही सिर्फ हमारा उद्देश्य क्यों हो? वह गप्पस मकई के दानों जैसा सघन प्यार क्यों नहीं? फेविकोल के जोड़ का इतना बखान और प्रेम ई कहाला जैसे कटहर के लाशा, इसका क्यों नहीं? क्योंकि कटहर के लाशा वाले प्यार में किसी कारपोरेट का मुनाफा नहीं। अगर सिर्फ साथ रहना ही प्रेम है तो सारे जोड़े जो हमारे इर्द गिर्द हैं सब में बहुत प्यार है, जबकि ऐसा शायद ही हो। दाम्पत्य के दायरे में कई बार प्यार भी है तो कई बार सिर्फ बलात्कार ही है। साथ रहने से प्यार का बहुत वास्ता नहीं। दरअसल प्रेम की मुश्किलों को, उसके अस्तित्वगत संघर्षों को सद्भावना की जरूरत है, तो उसे क्रियाशील सौष्ठव और विन्यास में ढालने की भी उतनी ही जरूरत है। प्रेम जिंदगी को ठेंगे पर लेकर चलता है, हर वक्त हिकारत वाला भाव कि कभी भी छोड़ देंगे, कभी भी मर जाएंगे। तो यदि जीवन के पक्ष में प्रेम नहीं, दुनिया समाज के पक्ष में प्रेम नहीं, तो प्रेम के पक्ष में दुनिया समाज को कैसे और क्यों होना चाहिए? लेकिन तब भी प्रेम ही तो है एकमात्र उम्मीद, जो कि जिंदगी को संदर्भ भी देता है, अर्थ भी। दरअसल प्रेम खुद के भीतर झांकने का सलीका है,
अंदर तक टटोल आने का हुनर भी। प्रेम जीवन की विविध संवेदनाओं की आपसी गपशप है। बहुत धीरे धीरे प्रेम होता जाता है, लेकिन हिंसा की लपटें अचानक उठती हैं और प्रेम की पूरी दुनिया बिलख उठती है। प्रेम करने वालों की असामाजिक मुद्रा भी प्रेम के पक्ष में समाज को खड़ा नहीं होने देती। प्रेम करने वालों पर ही यह जिम्मेवारी भी होती है कि वे प्रेम के पक्ष में जनमानस भी बनाएं। आप प्रेम के नाम पर धोखा देंगे, बलात्कार करेंगे, तेजाब फेंकेंगे, हिंसा का और मानसिक विकृतियों का नंगा नाच करेंगे और बदनाम होगा प्रेम। प्रेम के विरुद्ध मोर्चा लिए समाज के दिमाग में कई प्रश्न तो प्रेम करने वाले ही डाल देते हैं, जबकि प्रेम करने वाले को अंततोगत्वा एक सामाजिक व्यक्तित्व भी बने रहना होता है। प्रेम के मौन में तो समाज के सारे जटिल प्रश्नों के बहुत आसान से जवाब हैं। रॉबर्टो हुआ रोज की पंक्तियां। इसीलिए शायद जब आप सोचते हैं किसी के बारे में तो शायद आप उसे बचा रहे होते हैं। लियोवाल सैगोर की पंक्ति है कि पलकों को सहलाता एक रोशनीदार हाथ प्यार है। जब आप किसी को सोचते हैं तो उसे बचा रहे होते हैं, यानी आप उसे अपनी स्मृतियों में जीवंत रखे हुए हैं। वरना बाजार तो स्मृतियों के नाश पर टिका ही है। प्यार का तो वैसे भी कोई भूगोल नहीं है, इतिहास है। और एकमात्र प्यार ही है जिसका इतिहास बिना किसी भूगोल के है। स्मृतियों में बसता है प्यार, और बाजार उन स्मृतियों पर ही हमलावर है कि प्यार खत्म हो, कि कनेक्शन ही प्यार माना जाए और प्यार आत्मीयता, संवेदना, वस्तुकरण या पदार्थीकरण की शर्तों पर रहे। संवेदना के पदार्थीकरण के विरुद्ध है प्रेम। मनुष्य जैसा दिखने मात्र के लिए भी कोई भाषा है तो प्रेम ही की भाषा है, भले वह शब्दों में न हो, संवेदनाओं में ढली भाषा हो। प्रेम संवेदनाओं की आपसी गपशप है।